अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एवरीवर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको की यू से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, चाहे वो विजिट वीजे के हवाले से है, वर्क वीजे के हवाले से है, या UAE में आपके ऊपर कोई फाइन है, ओवर स्टे का फाइन है। तो आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक के ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप मुझे अपनी क्यूरी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ओवर स्टे फाइन किस तरह से खत्म करना है, तो बेटर यही है कि जो वीडियो में स्टार्ट में मैं बोलती हूँ तो प्लीज उन स्टेप को आप फॉलो कर लिया करें, क्योंकि जो है यूट्यूब के ऊपर एक लिमिटेड वर्डिंग का होता है कि आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम आपने फॉलो कर लेना है और उसके बाद जस्ट अपनी क्यूरी मुझे सेंड कर देनी है, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि आपका क्या स्टेटस है। और इसके अलावा मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ वो कोर्स, जिसमें मैं एवरीथिंग आपको रेज्यूम बनाने से कवर लेटर तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगी, और जिनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो भी एक बड़ी अच्छी हैंडसम सीवी बना सकते हैं। ठीक है, और जो है इसके अलावा आप किस तरह से आपने जो है कंपनीज को पिच करना है, कनेक्शन किस तरह से बिल्ड करने हैं, अपनी प्रोफाइल्स को किस तरह ऑप्टिमाइजेशन करवाना है, ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर बताऊंगी। सेम लाइक हर कंट्री का एक ही जो तरीका होता है, अगर आप एक तरीका सीख जाते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं कि आप किसी की मदद लें कि मुझे CV बना दो और मुझे कवर लेटर बना दो, क्या आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, क्योंकि इन चीज़ों में जो है बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट शेयर करनी होती है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट कोई मिस ना हो, तो इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसको अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीजों की क्या कंडीशन जा रही है, जो कि एक साल से ही बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि वीजे की डेली चेंज होती सिचुएशन क्या चल रही है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि किसी के वीज़े लग रहे हैं, किसी के वीज़े नहीं लग रहे, वो कौन लोग हैं कि जिनके वीज़े लग रहे हैं और हमारी कैटेगरी किन लोगों में आती है। लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि लेबर वीज़ा ओपन हो चुका है, तो एक ब्रदर थे उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसी का आंसर बेसिकली मैंने सोचा कि इस वीडियो के अंदर बनाऊंगी कि अभी जो 12 मई हो चुका है तो इसमें करंट सिचुएशन यहाँ की वीजे के हवाले से क्या, स्पेशली हम बात करेंगे लेबर वीजे के हवाले से कि लेबर वीजे की क्या सिचुएशन चल रही है। तो देखें, एक साल हो चुका है और ऐसा नहीं है कि लेबर वीजा टोटली बंद है, ऐसा भी नहीं है कि टोटली खुला हुआ है। ठीक है, कन्फ्यूजन वाली बात है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन थी लेबर वीजे को लेके, लेबर वीजा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम है वो एक जब से अपडेट हुआ है स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ जो लोगों के वीजे लग रहे हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है और हम समझेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनके वीजे लग रहे हैं, तो आप कौन से लोगों में आप शुमार हो सकते हो, आप वीडियो पूरी देख लेते हो तो आप खुद एनालाइज कर लोगे। सबसे पहले आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपने थोड़ा बहुत ज्यादा तवज्जो से वीडियो को देखना है, आपने क्या करना है, आपने जब जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप जॉब लेने की कोशिश करते हैं तो आपने ये देखना है कि कंपनी वीजा लगाएगी कि नहीं लगाएगी। ठीक है, कंपनी को आपकी जरूरत है कि नहीं है। सबसे पहले अगर आप को कंपनी की ज़रूरत है और कंपनी को आपकी ज़रूरत है, ठीक है, सबसे बड़ी बात कंपनी को, तो वो आपको वजह ज़रूर लगाएगी, और आपका वीज़ा अगर आपकी नॉर्मल कैटेगरी में नहीं लगाती तो किसी और कैटेगरी में लगा कर देगी, क्योंकि सेल्स के वीज़े लगना स्टार्ट हो चुके हैं, सेल्स के वीज़ों में कोई मसला नहीं है, तो इसलिए वो आपका वीज़ा दूसरी कैटेगरी में भी लगवा सकती है और काम आप डिफरेंट नोयत का ही करोगे जो आप जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। ठीक है, बहुत हद तक कंपनीज का मैंने ये भी देखा है, जो कंपनी लगवाना चाहती हैं बट जो आपको लारे पर रखना चाहती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपका वीज़ा कल लग जाएगा, परसों हो, आप वीजा लेके यहाँ पे आ जाओगे और वो आपको आपके 2 महीने तक हवार ही करेंगे। सबसे पहले श्योरिटी आपने इस चीज की कर लेनी है कि आप हमारा वीजा लगवाएंगे तो कौन सी कैटेगरी का लगवाएंगे, क्या हम अगर यहाँ आते हैं तो क्या हमारा वीजा लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगेगा।
और सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट पे जब साइन करने हैं, ठीक है, तो आपके पास एक तकरीबन 50% यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देने का मकसद यह होता है कि आप उस कंपनी की कंप्लेन कर सकते हैं और उनका लाइसेंस भी कैंसिल करवा सकते हैं अगर आप साइन कर चुके हैं और उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ चुका है तो। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर साइन कर देने का मकसद क्या होता है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपको इस तरह से कंपनी आपके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये सब सीन हो चुका है, मेरे पास लोग आते हैं और इसी हवाले से बात करते हैं कि अब हम क्या करें, हम तो पाकिस्तान से भी आए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो आप जाके लेबर में उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और जो है वो एक्शन ज़रूर लिया जाएगा और उनका समटाइम ये होता है लाइसेंस तक, और उससे जो पूछा जाता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लेने के बाद आपने उनको हायर, क्योंकि कंपनी की मजबूरी बन जाती है, उसने आपको हायर करना ही करना होता है, ठीक है। हमें ये पॉइंट अपने जहन में रखना है। दूसरा ये कि आप चॉइस ही वो चीज़ करें जो आपको एक्सेप्टेबल हो, जो आपको हायर कर ले, और स्टार्टिंग में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, ठीक है। देखिए कुछ लोग जो क्लियर फॉर्म में बात नहीं करते, कंपनी पता नहीं कुछ कहे ना, नहीं नहीं आपको बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर पाकिस्तान वाला नहीं होता है, जस्ट आपको वीज़ा लेना होता है, वीज़े के बल बोते हुए ही सब कुछ होता है, तो इसलिए आपने जॉब के मामले में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना है, कब वीज़ा मिलेगा, कौन सा वीज़ा मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें अपनी कंपनी के साथ पहले ही क्लियर कर लेनी है। अभी सिचुएशन जो बेटर हो चुकी है वीज़े के हवाले से, लेकिन डिपेंड ऑन कंपनी की, कंपनी आपको वीज़ा लगाना चाहती नहीं आप, ठीक है। लेबर के हवाले से लेबर में भी कुछ वीज़े लग रहे हैं और फ्री जोन के, तो वीज़ा में कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, तो इसलिए आप जब ट्राई करें बी केयरफुल होकर ट्राई करें, या कहीं से भी आप अगर वर्क परमिट लेते हैं यहाँ का तो भी आप बी केयरफुल, क्योंकि वीज़े के अंदर इमिग्रेशन में कहीं ना कहीं जाकर अगर प्रॉब्लम आ जाती है, सबसे पहले कंपनी का क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो आपसे कमिटमेंट कर लेती है कि जी आपका वीज़ा लगेगा, तो आपका वीज़ा बिल्कुल लगेगा, चाहे वो लेबर का है, फ्री जोन का या कोई भी है। अगर वो कमिटमेंट नहीं करती तो मेरे ख्याल से ऐसी जॉब के ऊपर आपको हाथ लगा रखने का कोई तुक नहीं बनता है, तो आपको वो जॉब जो है वो जो है छोड़ देनी चाहिए, आपको नेक्स्ट जो है आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर देना चाहती थी। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।